उदयभान से। उदयभान जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चलते रहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। एक संदेश राहुल गांधी ने साफ तौर पर दे दिया कि चाहे कोई भी बहाना बना ले सरकार, यात्रा नहीं रुकेगी। बिल्कुल, ये पक्का इरादे का जो राहुल जी जो बोलते हैं ना वही करते हैं, और ये उनका ये दर्शाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है, क्योंकि ये पदयात्रा जारी है अपने बहुत ही सांप्रदायिक सद्भाव को दूर करने के लिए, हमारे जो आपस में चाहे वो आर्थिक, इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनावों में वोटों के रूप में भी मिलेगा। सभी आम आदमी के लिए ये लड़ाई जारी है और वोटों की राजनीति का वो अर्थ नहीं है। निश्चित तौर से इससे प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ेगा। राहुल जी जो संदेश देना चाहते हैं उससे पूरे भारत के अंदर बहुत एक सकारात्मक संदेश गया, जिससे कि सभी मिल करके इसको देश को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कोई व्यवस्था का पार्टी को कितना जोड़ पाए हैं आप, क्योंकि पहले दिन तो बेशक हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जो जिनका गुट भी कहा जाता है वो सब यहाँ दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद एक बड़ी नेता दिखाई नहीं पड़ रही है जिनकी चर्चाएं भी चलने लगी हैं कि कहीं शायद वो आप लोगों से नाराज हैं। कौन? किरण चौधरी की बात कर रहा हूँ। नहीं, किरण चौधरी की बेटी तो कल थी, कल सुबह वो आई, लेकिन उसके बाद ना यात्रा में दिखाई पड़ी और ना आज की जनसभा। कि ये जरूर नहीं है, मैं भी मेरे भी कल चोट लग गई थी कमर में, तो इस वजह से कल मैंने पूरी 14 किलोमीटर की यात्रा की थी। दोपहर बाद मैं भी नहीं चल पाया था, अब भी मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, इसी वजह से कि मेरे को चोट। आप कल इन सड़कों पर जब चल रहे थे तो गड्ढे होने की वजह से आप गिरे हैं, आपके पैरों में चोट भी आई है। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर इसका जिक्र भी किया आज मन से। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना कि सारे इतने बुरी हालत सड़कों की जो है यहाँ पर हरियाणा में, और खास करके मेवात को जानबूझ करके उपेक्षित रखा गया है। यहाँ पर ये यूपीए गवर्नमेंट के समय 4 लेन अलवर तक के मंजूर हुआ था, लेकिन इसको रोक दिया गया और आगे इसको बंद कर दिया। ये अलवर तक ही जानी थी 4 लेनिंग, आगे ये नूह के बाद में इसको रोक दिया, जबकि अलवर तक जानी थी। और कोई भी विकास का काम इस सरकार ने नहीं किया, खास करके इस मेवात के क्षेत्र में। ये इनका जो नीतियों का ये जो परिणाम है कि जो ये वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, और उसी वजह से यहाँ पर काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सब किया है, कांग्रेस पार्टी सभी आम आदमी की पार्टी है, सभी को साथ में लेकर चलने वाली है, सभी जाति धर्म वर्ग और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए कांग्रेस ये पैगाम दे रही है अपना प्रेम प्यार भाईचारे का। एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, जब आप अध्यक्ष बने थे तो मैंने आपका इंटरव्यू किया था चंडीगढ़ में, तब आपसे पूछा था कि कार्यकारिणी का गठन कब हो जाएगा, और शायद उस बात को आज 7 महीने हो चले, लेकिन अभी तक आपने कहा था कि जुलाई के लास्ट तक हो जाएगा, लेकिन दिसंबर बीतने को है, अभी तक संगठन खड़ा नहीं हो पाया। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे संगठन के चुनाव जो है उसके लिए PRO DRO नियुक्त किए हुए हैं, और PRO DRO ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, और जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है वहाँ पर वो लिस्ट अप्रूवल के लिए गई हुई है। अब कभी भी क्यों, अब हम सब बिजी हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो अब किसी भी दिन यहाँ से फ्री होते ही वो लिस्ट जारी हो जाएगी। अब निकाय चुनावों में भी ऐसी चर्चाएं हैं कि आप लोग सिंपल पर लड़ेंगे भारत जोड़ो यात्रा, और जो बाकी पंचायत चुनाव का जो जिला परिषद चुनाव में जो रिजल्ट आए उसको लेकर के। नगर निगम का चुनाव हमारा पहले से नीति रही है कि ना पंचायत का और ना ही नगर पाल का नगर परिषद का चुनाव हमने कभी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर के, वो निश्चित तौर पर हम पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उदयभान, एक बार फिर से जो कांग्रेस की गुटबाजी है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की चर्चाएं, खत्म करने के दावे इन्होंने फिर से किए, और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि जो भी लिस्ट अभी नहीं आ पाई है कांग्रेस की वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी, और उसके बाद कांग्रेस की हाईकमान से मोहर लगते ही कांग्रेस की जो
जो पदाधिकारियों की सूची है, जो संगठन की सूची है, वो जारी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसी टीवी नू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।